हमने ब्रेन वाले टॉपिक में नर्वस टिश्यू वाले हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पढ़ा था हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कवर हुआ, आज हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, वन इज द सोमैटिक एंड अदर इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके मीनिंग क्या है आपके पास, कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कोड, उनसे जितने भी नर्व्स अराइज हो रही हैं, दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द पीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे फर्स्टली हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की, क्रेनियल वर्ड रिलेट्स विद द ब्रेन, तो नर्व्स ये वो नर्व्स हैं जो आपके पास ब्रेन से अराइज हो रही हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल और क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं ह्यूमन के अंदर, दे लीव द क्रेनियम थ्रू द अपर्चर फोरामिना, और ये क्रेनियम वाले पार्ट में से, खोपड़ी वाले पार्ट में से निकलेंगी कैसे, एक अपर्चर पार्ट के थ्रू, जिसे नाम देते हैं फोरामिना। ये हैं आपके पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फर्स्ट हम देखें तो ऑल्फैक्ट्री है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम में, नेचर वाइज ये सेंसरी है कि इन्फॉर्मेशन गेन करेगी, फंक्शन इसका स्मेल है, ऑल्फैक्ट्री वर्ड ऑलवेज रिलेट्स विद द स्मेल, स्मेल। द सेकेंड इज ऑप्टिक, इसी सीक्वेंस में याद करनी होती है बेटा आपको, रेटिना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नाम ही बता रहा ऑप्टिक, तो आई से रिलेट करेगी, सेंसरी है बाय नेचर और साइट से रिलेटेड है। देन ऑक्यूलोमेट मोटर, ये जो आई मसल्स हैं उनमें चार आई मसल से ये रिलेट कर रही है, टोटल 6 में से, ये मोटर होते हैं बाय नेचर और मूवमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल की मूवमेंट ये कराती हैं। देन थैटिक है, इसे ट्रॉक्लियर भी बोलते हैं, ये सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल से रिलेट कर रही है, चार यहाँ होगी, ये एक सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल से रिलेट करती है, ये मोटर है बाय नेचर और रोटेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की रोटेशन करवा रही है। ठीक है, सबसे थिनेस्ट है ये। देन ट्राइजेमिनल, ये लार्जेस्ट कंसीडर की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये अलग अलग में आपके सारे पार्ट आ जाएंगे, ये बाय नेचर मिक्स्ड होती है, सेंसेशन ऑफ टच और टेस्ट से रिलेट करती है। इसमें तीन पार्ट पढ़ेंगे हम, फर्स्ट वन इज द ऑप्थेल्मिक, जो नोज आईलेट स्कैल्प कंजक्टिवा लैक्रिमल ग्लैंड इनसे रिलेट करेगी, ये आई के पार्ट हैं। ठीक है, सेंसरी है बाय नेचर ये, मैक्सिलरी, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चीक्स अपर लिप और लोअर आईलेट से रिलेट करेगी, सेंसरी है ये बाय नेचर। मैंडिबुलर की बात करें तो लोअर जॉ लोअर लिप पिन्ना और टंग पार्ट से रिलेट करेगी, ये मिक्स्ड होती है बाय नेचर, सेंसरी भी हैं मिक्स भी हैं, तो इसके नाम मिक्स्ड ही चला जाता है ऑल ओवर में। एब्ड्यूसेंस, ये सबसे छोटी होती है, एक्सटर्नल रेक्टस आई मसल, चार मसल्स ये आ गई थी, एक ये रही और एक ये एक्सटर्नल रेक्टस आई मसल से रिलेट करेगी, मोटर है बाय नेचर और रोटेशन ऑफ आई बॉल से रिलेट करेगी। देन सेवेंथ है फेशियल, जो फेस नेक टेस्ट बर्ड्स सलाइवरी ग्लैंड से रिलेट करेगी, मिक्स्ड है बाय नेचर और टेस्ट मेस्टिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन सलाइवा सिक्रेशन और नेक मूवमेंट से ये रिलेट करती है। देन है हमारे पास एट्थ ऑडिटरी, जो इंटरनल ईयर से रिलेट करेगी, सेंसरी है बाय नेचर, ये हियरिंग और इक्विलिब्रियम से रिलेट करती है। देन ग्लोसोफेरिंजियल, ये मसल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिंग्स और टंग से रिलेट करेगी, मिक्स होती है बाय नेचर, यहाँ पे आपके पास टेस्ट फेरिंजियल कॉन्ट्रेक्शन स्लाइवा सिक्रेशन ये सारे रोल आ जाते हैं। देन वेगस, ये लॉन्गेस्ट है आपके पास, लैरिंग्स लंग्स हर्ट स्टमक इंटेस्टाइन से रिलेट करेगी, मिक्स्ड है बाय नेचर, विसरल सेंसेशंस एंड मूवमेंट ये कॉज करेगी। देन है आपके पास 11th असेसरी स्पाइनल, ये फेरिंग्स के मसल्स के साथ लैरिंग्स नेक और शोल्डर से अटैच रहेगी, मोटर है बाय नेचर और मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स लैरिंग्स नेक और शोल्डर ये शो करती है। देन हाइपोग्लोसल, ये मसल्स ऑफ टंग से रिलेट करेगी, मोटर है बाय नेचर और मूवमेंट ऑफ टंग से रिलेट करती है। दिस इज ऑल अबाउट क्रेनियल नर्व्स। देन हमारे पास हैं स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कोड से अराइज हो रही हैं, 31 पेयर हैं और मिक्स्ड हैं बाय नेचर, अराइज फ्रॉम द रूट्स ऑफ द हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कोड से अराइज हो रही हैं। इन डोर्सल रूट ओनली एफरेंट और सेंसरी फाइबर्स, जो डोर्सल रूट है उससे सिर्फ आपके पास एफरेंट या सेंसरी फाइबर्स अराइज हो रहे हैं और वेंट्रल रूट से आपके पास एफरेंट जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं और मोटर फाइबर जो हैं वो अराइज करते हैं। जो दोनों ही रूट हैं आफ्टर मूविंग फॉर डिस्टेंस, थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद, वो थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करने के बाद इन द स्पाइनल कोड ऑफ वर्टिब्रे कम्बाइंड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्बाइंड होंगी और एंड कम आउट फ्रॉम इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, जो वर्टिब्रा के बीच में फोरामेन गैप और पोर लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स की फॉर्म में। एज सून एज स्पाइनल रूट्स कम्स आउट ऑफ द, जैसे वो वर्टिब्रल फोरामेन से बाहर आ रही हैं, दे डिवाइड इनटू थ्री ब्रांचेस, वो तीन ग्रुप बनाती हैं, वन इज द रेमोस डॉर्सेलिस,
रेमोस वेंट्रलिस, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेट करेंगे आपका जो वॉलेंट्री वाला है। एंड देन रेमस कम्युनिकेंस, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आपके पास रिलेट करती हैं। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ANS, ये आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जो आपके पास मिलके बना है नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लियन और प्लेक्सस से। यहाँ पे नर्वस टिश्यू या ब्लड सप्लाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाय विच जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रैवल करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा पार्ट तक एंड फ्रॉम द विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ये आपके पास एक्टिविटीज़ कंट्रोल करेंगे बॉडी के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं नॉर्म मतलब जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं जैसे हार्ट बीट, ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ये मोटर न्यूरॉन्स से मिलके बने हैं जो स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की हैं, वहाँ से रिलेट करते हैं। जो मोस्टली एक्टिविटीज़ हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की वो कंट्रोल की जाती हैं आपके पास स्पाइनल कोड के अंदर, और ब्रेन का कुछ हिस्सा इन्वॉल्व होता है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन और विसरल रिफ्लेक्स भी नाम देते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके कंट्रोल सेंटर है मेडुला और हाइपोथैलेमस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो टाइप के न्यूरॉन से मिलकर बना है, एक है आपके पास प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोन क्या होता है फ्यूजन ऑफ न्यूरॉन, उससे पहले वाला जिसे हम माइलिनेटेड भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज द पोस्ट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जिसे हम नॉन माइलिनेटेड भी बोलते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक में डिवाइड होता है। ये काम करता है आपके पास इमरजेंसी कंडीशन में और ये काम करता है आपके पास नॉर्मल कंडीशन में।